नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास चर्चा सवाल तो पूछेंगे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नुज़हत परवीन सिद्दीकी। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल दलित आदिवासियों को साधने में जुटे हैं। प्रदेश सरकार जहां बड़े कार्यक्रम में कई सौगातें दे रही है, तो वहीं विपक्ष भी दलितों और आदिवासियों को अपने पाले में करने में लगा हुआ है। डिंडौरी पहुंचे सीएम कमलनाथ ने करोड़ों की सौगात देते हुए पूर्व सीएम पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी भी कई मौके पर दलितों आदिवासियों के साथ खड़े होने का दावा करती नजर आई थी। सबसे बड़ा सवाल, आखिर प्रदेश में दलित आदिवासियों के साथ खड़े होने का दम भरने वाली पार्टियों में किसका पलड़ा भारी है, किसके दावों में कितना दम है, इसी पर करेंगे आज चर्चा। उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दलितों आदिवासियों को साधने में लगे दोनों दल। प्रदेश सरकार दे रही है कई सौगातें। बीजेपी कर रही दलितों आदिवासियों के साथ खड़े होने का दावा। सागर में दलित युवक की हत्या के बाद घेरा था प्रदेश सरकार को। दोनों ही पार्टियां साध रही एक दूसरे पर निशाना। डिंडौरी में शिवराज पर सीएम का निशाना, सागर में संघ पर साधा था निशाना। कांग्रेस बीजेपी प्रदेश में दलित और आदिवासियों को साधने में लगी है। प्रदेश सरकार लगातार आदिवासियों दलितों को सौगातें दे रही है। जहां पहले विश्व आदिवासी दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आदिवासियों के लिए सौगातों का पिटारा खोला था, छिंदवाड़ा में हुए कार्यक्रम में सीएम ने आदिवासियों के हित में कई बड़ी घोषणाएं की और खुद ट्वीट कर सौगातों की जानकारी दी। वहीं 9 फरवरी को सागर में संत रविदास महाकुंभ की शुरुआत की। महाकुंभ में बड़ी संख्या में दलित वर्ग के लोग शामिल रहे। भव्य कार्यक्रम में सीएम ने करीब 3000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान संघ पर जमकर निशाना साधा गया था, जिसमें सीएम ने कहा था जनगणना से पहले संघ आदिवासियों दलितों को साध रहा है। वहीं सोमवार को ढिंडौरी में सबरी माता की जयंती के मौके पर करोड़ों की सौगात दी गई। इस दौरान सीएम ने पूर्व सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा शिवराज जी केवल घोषणाएं करते थे, अपने जेब में नारियल लेकर घूमते रहते थे। उनकी घोषणाएं पूरी होना तो छोड़िए, शुरू तक नहीं हो पाई। आदिवासी बहुत भोले भाले होते हैं। मैं आप सभी से कहता हूँ, शिवराज जी से आप हिसाब मांगिए। 15 साल शिवराज सिंह ने 12-13 हजार घोषणाएं करी थी प्रदेश में, अपने जेब में नारियल लेके घूमते थे, जहां मौका मिलता था नारियल फोड़ देते थे। ये शिवराज सिंह ने 15 साल 21 हजार नहीं पता नहीं कितनी करी, इसकी गिनती करने भी मुश्किल है। जहां जाए जहां नदी भी ना हो कहते मैं बांध बना दूंगा, ऐसी प्रकार की घोषणाएं करते रहते थे। पहले 15 साल का हिसाब दीजिए। और मेरे नौजवानों, जब मैं कहता हूँ मुंह चलाना सीखो, मुंह चलाइए और हिसाब मांगिए इनसे। 15 साल का हिसाब मांगिए कि 15 साल इन्होंने कैसे गुमराह किया है, कैसे झूठ बोल के हमारे मध्य प्रदेश की जनता को ठग के कैसे इन्होंने गुमराह किया। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के मुखिया के तौर पे कमान संभाली है, तो मध्य प्रदेश में दलित आदिवासियों के जो रुके हुए काम थे उनको करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। उनको सम्मान दिलाने की बात हो, तो आदिवासियों को साहूकारों के कर्ज से मुक्ति की बात हो, शिक्षा स्वास्थ्य हो, या उन आदिवासी क्षेत्रों में ATM के माध्यम से उनको 10,000 तक का बिगार ब्याज का ऋण हो, तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार दलित आदिवासियों को आर्थिक रूप से और सम्मान दिलाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वही बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी भी दलितों और आदिवासियों को लगातार साधने का प्रयास करती रही है। झाबुआ में हुए उपचुनाव के दौरान बीजेपी ने दलितों को अपने खेमे में करने की कोशिश करते हुए एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया था। बीजेपी के कई दिग्गजों ने झाबुआ में रैली की थी, हालांकि उसमें वो कामयाब नहीं हो पाई। वही सागर में हुई दलित युवक की हत्या के बाद पूरी बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में लगी रही और प्रदेश सरकार पर लचर कानून व्यवस्था का आरोप मढ़ा। कहा जा सकता है बीजेपी भी दलित आदिवासियों में अच्छी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में लगता है चुनाव आ रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी रोजगार की बात कर रही है, आज कांग्रेस पार्टी राम की बात कर रही है, आज कांग्रेस पार्टी सबरी की बात कर रही है, आदिवासियों के हित की बात कर रही है कि आदिवासियों के हित के लिए कांग्रेस पार्टी कदम उठा रही है। कमलनाथ जी से मेरा निवेदन है कि एक भी योजना मध्य प्रदेश में आदिवासियों के भले के लिए लाई हो तो वो बता दें।
अनुसूचित जाति पे जिस तरह से, जनजातियों पे जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश में अत्याचार हो रहा है, हर चौथे दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी याद माननीय कमलनाथ जी को नहीं आ रही। चुनाव विधानसभा के थे उस समय भी आपने बहुत सारे वादे किए थे और फिर आप वादों का पिटारा खोल के बैठ गए, पर कुछ जो वर्ग जिसकी चिंता होना चाहिए उसकी चिंता कब होगी ये ना कांग्रेस बता पा रही है, ना कांग्रेस के नेता बता पा रहे हैं, ना मुख्यमंत्री बता पा रहे हैं। गौरतलब है प्रदेश में शुरू से ही दलितों और आदिवासियों को अपने अपने पाले में करने की कवायद चली आ रही है। अब देखना होगा दलितों और आदिवासियों को साधने में लगे दोनों दल कितना सफल हो पाते हैं। डेस्क रिपोर्ट DNN। तो एक बार फिर आदिवासी और दलितों के साथ कमलनाथ, इसी पर करेंगे चर्चा। और चर्चा में हमारे साथ मेहमान शामिल हैं, उनसे तारुफ करवा दूं। पहले हमारे साथ हैं मनीष सक्सेना जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। के सक्सेना जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है आपका सक्सेना जी आपका। और दुर्गेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत दुर्गेश जी आपका। शुरुआत दुर्गेश जी आपसे करेंगे, सागर में पहले रविदास जयंती, फिर डिंडौरी में शबरी जयंती। देखा जाता है कि हमेशा से ही मध्य प्रदेश में बीजेपी हो या कांग्रेस हो या दूसरे और दल हो, आदिवासी और दलितों को लेकर काफ़ी उनको साधने की कोशिश करते रहे। पहले कांग्रेस पर काफ़ी भरोसा भी दलितों ने जताया था, जो भरोसा कहीं ना बीच में थोड़ा कम हुआ, जिसको लेकर भाजपा ने अपनी कवायद तेज की और उनको साधा, अपने पाले में किया। अब एक बार फिर नए सिरे से कमलनाथ सरकार बार बार आदिवासी दलितों को सौगातें दे रही है और उनको अपने साथ कर रही है, उनके साथ खड़ी हो रही है। हम समझना चाहेंगे क्या ये, जैसा कि बीजेपी का ये कहना है कि लगता है मध्य प्रदेश में चुनाव नज़दीक आ रहा है, इसके पीछे ये मकसद है या आदिवासियों को सौगातें देनी है क्योंकि मध्य प्रदेश के विकास की बात। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि जब चुनाव आएंगे तो बात करेंगे, काम तो करते नहीं है, बात करने के आदि हैं। पिछले 15 वर्ष मध्य प्रदेश में दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसी के लिए कोई उन्होंने ठोस काम किया हो तो उसका उदाहरण प्रस्तुत करें, नहीं है। घोषणाएं जरूर हैं, बातें जरूर हैं, जैसा भी उनके प्रवक्ता महोदय कह रहे थे राकेश शर्मा जी कि साहब ऐसा लग रहा है चुनाव आ गए, इसका मतलब क्या केवल चुनाव के टाइम पे काम करते हैं? ये आपकी सोच है, हम ऐसा बात नहीं करते, हम काम करते हैं। वो काम जो करते हैं उसको दस्तावेजी रूप से समाज के सामने भी रखते हैं। ये पूरी एक पुस्तक है जिसमें अभी हमने एक साल में क्या किया उसकी एक एक चीज की विस्तृत जानकारी है, कोई भी उसको देख सकता है। सरकार ने जो बोला है, जो कहा है, वो करके दिखाया है, झूठ फरेब नहीं है। इनके पास यदि पूरे 15 साल का एक दस्तावेज हो जो सरकार ने ऐसा जारी किया हो, ये वो लाके दिखा दें कि ये पुस्तक हमने जारी करके बताया है कि हमने ये काम किया। अब काम क्या किया, जो दलित जैसे आदिवासियों की बात चल रही है तो तेंदूपत्ता का जो संग्रहण करते हैं उनकी राशि, उनको संग्रहण करने की 2000 भारतीय जनता पार्टी ने के शासन में दिया जाता था, तय था, वो भी उनको मिलता नहीं था। हमने 2500 किया है और 2500 करने के साथ साथ उनको नगद उसका भुगतान मिले, पर बोरा 2500 रुपये राशि है, वो पहुंचते हैं, बोरा देते हैं और उनको नगद पैसा मिलता है। ये व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार ने करी है। ग्रामीण उनका जो क्षेत्र है उसकी अधोसंरचना को कैसे क्या किया जाए, उसके लिए भी पूरा बजट में पैसा देके बराबर उसमें खर्चा कर दिया गया है। 683 जगहों पर कार्य मध्य प्रदेश सरकार ने कर दिए हैं, कितने पैसे कहाँ, एक एक चीज का दस्तावेज है, पूरे सारी चीजों की राशि भी है। एकलव्य शिक्षा योजना के तहत लगभग 4774 छात्रों को मध्य प्रदेश सरकार ने 4,84,17,290 रुपए की छात्रवृत्तियां बांट दी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं मिल रही थी। मैं ये फिगर जो दे रहा हूँ उसमें कहीं कोई गलती निकले तो ये मेरे ऊपर केस भी कर सकते हैं। पूरे दस्तावेज सरकार के द्वारा दिए हुए हैं। तेंदूपत्ता संग्रहण कार्यालय के अंतर्गत लगभग 443 ऐसे प्रकरणों में जो उनको सहायता दी गई सरकार की तरफ से, वो 1,72,00,000 रुपये की सहायता दी गई। 100 तेंदूपत्ता संग्रहकों को मोटर ड्राइविंग का, मतलब केवल यही नहीं कि आप तेंदूपत्ता ही, वो बच्चे यदि कुछ कर सकते हैं तो उनको ड्राइविंग सिखाई, ड्राइविंग सिखाने के साथ साथ उनको लाइसेंस देके और ड्राइवर भी बनाया जा रहा है और उनको कहीं ना कहीं व्यावसायिक उसमें उपयोग में ला सकें, वो अपने जीवन के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त कर सकें, ये भी प्रयास सरकार कर रही है। वन समितियों के माध्यम से 78 गौशालाएँ
अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई हैं। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे बहुत काम सारे है स्टडी, जो बहुत सरकार सारे ने करी है। के साथ दुर्गेश जी पहुंचे हैं जी, मैं एक और चीज बताऊंगी, मध्य प्रदेश के अंदर बांस का एक बहुत बड़ा व्यवसाय है जो पिछले वर्षों में ध्वस्त हो गया था। माननीय कमलनाथ जी ने उस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बांस का व्यवसाय आदिवासियों के लिए एक अच्छा व्यवसाय है, तो 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस की उन्नत खेती के लिए 1,50,000 रुपए वनवासियों की जो समितियां हैं उनको मध्य प्रदेश सरकार ने दे दिया है, जिससे वे वहां पर बांसों के खेती कर सके और उससे जो पैसा अर्जित कर सके। बहुत सारी साक्ष्य दिए मनीष जी, क्या कहेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि अब उनका ये मानना होगा कि आपके पास कोई सवाल नहीं बचेगा। देखिए प्रवीण जी, जो माननीय दुर्गेश शर्मा जी ने जो साक्ष्य दिए हैं उन सभी साक्ष्यों का बखान करने के लिए मैं दुर्गेश जी का स्वागत करता हूं, क्योंकि ये जो कार्य है ये निश्चित रूप से विगत 15 वर्षों में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, माननीय उमा भारती के नेतृत्व में, माननीय बाबूलाल जी गौर के नेतृत्व में जो किए गए कार्य है उसी की श्रृंखला है। दुर्गेश जी ये भूल गए कि सरकार परिवर्तन के बाद जब ये सरकार में आए तो इनका आदिवासियों के प्रति दृष्टिकोण क्या है ये वो बताना भूल गए। ये जो हमने प्रशिक्षण केंद्र बनाए उनका भी इन्होंने जिक्र नहीं किया, यदि ये चाहते तो टंटिया मामा प्रशिक्षण संस्थान के बारे में, बिरसा मुंडा प्रशिक्षण संस्थान के बारे में भी और बता सकते थे। ये और सबरी महाकुंभ, समरसता महाकुंभ, वैचारिक महाकुंभ के बारे में भी बता सकते थे कि ये कार्य मध्य प्रदेश की धरती पर हुए हैं। परंतु दुर्भाग्य के साथ एक काम और बताना चाहता हूँ मैं, जो वर्तमान की कमलनाथ जी की सरकार में जो हुआ है वो ये हुआ है कि PSC के सिलेबस में ये आदिवासियों का जो उत्थान, आदिवासियों का कल्चर क्या बताते हैं, ये रजिस्टर्ड है, ये बताते हैं कि आदिवासी कौम लुटेरे और डकैत थे। ये सिलेबस बन गया जिसका हमने पुरजोर विरोध किया, उसके बाद इनको सिलेबस में परिवर्तन करना मुझे लगता है मुद्दे की बात करें क्योंकि वो चर्चा हो चुकी, उस पर सब चीजें हो चुकी, साफ हो चुकी, हमने कई बार उस पर चर्चा की, बीजेपी कांग्रेस सब शामिल हुए। मैंने सामाजिक समरसता की बात की, माननीय दुर्गेश जी ने जो बेम्बू का जिक्र किया है कि हमने आदिवासियों के लिए जो ये बेम्बू का जो अपग्रेडेशन और बेम्बू के झाबुआ में बीजेपी को के लिए जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशील नेतृत्व के द्वारा चलिए इसको प्रमुख माना, उसी के बाद इस पर कार्य योजना बनी है। दुर्गेश जी जरा अध्ययन करिए आप। चलिए छोटी सी प्रतिक्रिया दुर्गेश जी आपसे लेंगे, फिर के सक्सेना जी के पास। कह रहा हूँ ये नकारात्मक सोच को बाहर निकालो, मैंने सकारात्मक बताया भाई। सारे मनीष जी सुन लो, आपकी बात सुन ली, जैसे आपने बोला कि भाई वो सब पेपर में जो सवाल आ गए थे उस पर कार्रवाई हो गई है, कोर्ट में न्यायालय में सब चीजें चल रही है, ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी कि कार्रवाई करना पड़े बाद में। बात सुन लीजिए, सुन लीजिए, ये हौसले बुलंद, सुन लीजिए, आपकी आवश्यकता कैसे पड़ी कि आपने चप्पल जूते दिए कैंसर हो गए, आपको आवश्यकता पड़ी थी क्योंकि आपको चप्पल जो है वो 10-15 रुपए की नकली मटेरियल से बनने वाली चप्पल आपने सप्लाई कर दी 200 रुपए के रेट में और उससे कैंसर हो गया, इस बात पे आपको शायद ध्यान नहीं है। पर आप जो कह रहे हैं कि हमने साहब कुंभ करे, भैया आपने लोगों को बैठा के ड्रामा पूरा करा है, पर मामा का जो ड्रामा था वो खत्म हो चुका है क्योंकि धरातल पे यथार्थ में काम कुछ नहीं किया। मैं दस्तावेजी प्रूफ दे रहा हूँ आपके पास, मैं फिर आऊंगी, सक्सेना जी क्या कहेंगे, जैसा कि आदिवासी और दलितों को साधने की कोशिश मध्य प्रदेश में दोनों ही पार्टियां करती रही हैं, कांग्रेस की अगर बात करें काफ़ी कोशिश और काफ़ी सफलता भी रही उनकी, जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी उस समय आदिवासियों का भरोसा भी था, पर धीरे धीरे वो भरोसा कहीं ना कहीं खत्म हुआ, कम हुआ, जिसको लेकर बीजेपी ने अपनी वो मजबूती उसकी निकल कर सामने आई। बीजेपी ने और कहा जाता है संघ भी पूरी तरह कोशिश करती रही है, वनवासी जो कल्याण परिषद है उस पर वो संगठन काम करता रहा है, आदिवासियों को साधने की कोशिश की गई, उनके हितों का ध्यान रखा गया, कई बार उनके सहारे अपने जो मामले थे उसको भी उन्होंने साधा। अब हम समझना चाहेंगे जिस तरह सागर में रविदास जयंती दलितों के उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसका एक भरोसा CM कमलनाथ को मिला और कहीं ना कहीं कई घोषणाएँ भी उन्होंने उसको लेकर कही। इसके बाद अब ये शबरी जयंती समारोह जिसमें शबरी के बेर कहे जाते हैं, राम ने जब शबरी के झूठे बेर खाए थे तो उनको जो
और लक्ष्मण ने नहीं खाया तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं उनको खाना। आज कमलनाथ ने शबरी के बेर खाए और क्या लगता है इसका फायदा अब उनको एक बड़ा साथ आदिवासियों का मिलेगा, उसके रूप में मिलेगा, कैसे देखते हैं? देखिए ये तो आदिकाल से, जो आपने बहुत अच्छा रेफरेंस दिया रामचंद्र जी का, ये तो आदिकाल से चला आ रहा है कि जो भी राजा रहे, शासक रहे, प्रशासक रहे, जिनने भी सत्तासीन लोग रहे, उन लोगों ने हमेशा आदिवासियों को अपने साथ लेके चले हैं। ऐसा नहीं है कि उनको निगलेक्ट किया है। ये एक अलग बात है कि उनका पूर्णता उत्थान अभी तक नहीं हो पाया है। उसके लिए काम जो भी सरकारें आई उनने अपने अपनी सोच से, अपनी समझ से काम किया और वाकई आदिवासियों में के जीवन शैली में भारी परिवर्तन आया है। बहुत सारी सुख सुविधाएं उनको मिल रही हैं और वो बहुत अच्छा जीवन जीने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सभी सरकारों का ये दायित्व है, अगर वो चुनाव जीतती हैं तो उनको उसके लिए काम करना चाहिए। जहाँ तक रविदास जयंती की बात है और ये तो हर साल आती है और कार्यक्रम आयोजित होता है, उसमें उनके पक्ष में कुछ ना कुछ किया जाता है, कुछ उनकी घोषणाएं की जाती हैं, इसको चुनाव से देखना मैं समझता हूँ कि कोई बहुत ही अच्छी बात नहीं है। ये तो सरकार का धर्म है कि वह आदिवासियों का काम करे। चुनाव से जोड़ के अगर करेंगे तो उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होगा। काम होना चाहिए, लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए, वही सरकार का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। दुर्गेश जी क्या कहेंगे कि सक्सेना जी का कहना है कि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, वो ज्यादा अहमियत नहीं रखनी चाहिए उसकी, जबकि जो 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 जरूरत है आदिवासियों दलितों की, जो दरकार है, जो उन पर काम होना चाहिए, उसको सब सरकार या पार्टियां जो उसको ध्यान में रखकर उन पर काम करना चाहिए। क्या आगे भी हमेशा दलितों और आदिवासियों के लिए कमलनाथ सरकार खड़े रहेंगे, उनके लिए सौगातें देंगे? जिस तरह उन्होंने एक आदिवासी कार्ड की बात कही थी और उनके जो ऋण माफी की बात कही थी, बहुत सारी चीजें ऐसी, क्या उस पर भी आगे काम होता रहेगा? निश्चित, ये तो ऋण माफी, आदिवासियों की जो आदिवासी जो उनके पारंपरिक जो व्यवसाय है, इन सब के अलावा मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी क्षेत्र को जो मुख्य धारा से जोड़ने वाली बात, जो के भाई ने भी बात बोली, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। मुख्य धारा का मतलब उनको शिक्षित करना, जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो ड्राइवर बन सकते थे, उनको ड्राइवर ही बनाया। अब यदि कुछ बच्चे उसमें इंजीनियर और ITN और ये सब बन सकते थे तो उनको करा। मध्य प्रदेश सरकार ने 800 आदिवासी अनुसूचित जाति समाज के जो बच्चे हैं उनको JEE NET और CPT इस तरह की कोचिंगों की पूरी तैयारी करी, उनको कोचिंग करा रही है मध्य प्रदेश सरकार, जिसमें 1450.2 लाख रुपए उसमें भी वो खर्च कर रही है। मध्य प्रदेश के अंदर शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थी करीबन 2 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी हैं, जिनके ऊपर करीबन 200 करोड़ रुपए की राशि जो है सॉफ्टवेयर और इस सब के माध्यम से वहाँ पर भेजी गई है, जिससे बच्चे शिक्षित हो सकें। मध्य प्रदेश में बच्चों को, यदि आदिवासी इनकी बालिकाओं के शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए 82 शासकीय परिसरों का संचालन विभाग द्वारा भी नया प्रारंभ किया गया है, जो जिसमें बच्चियाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच पाएँ। एक एक परिसर के अंदर लगभग 500 के आसपास बच्चियों के बैठने की व्यवस्था है। सहरिया, भूरिया और बेगा आदिवासी जो कुपोषण से मध्य प्रदेश में, हम हिंदुस्तान में नंबर 1 पे थे कुपोषण में, सबसे ज़्यादा हम देख रहे थे शिवपुर वगैरह क्षेत्र के अंदर कुपोषित बच्चे मर रहे थे, तो उनके पोषण आहार के लिए उसमें बच्चियों के परिवार को और किस तरीके से समृद्ध किया जा सके, जिससे वो पोषण आहार में उनको मिले और साथ में जो कुपोषण है वो खत्म हो, महिला मृत्यु दर में कमी हो, आदिवासी समाज जो है पूरी तरह से शिक्षित हो, अपना व्यवसाय के साथ साथ वो आधुनिक रूप से हिंदुस्तान के संग जुड़ सके, क्योंकि ये हिंदुस्तान में बेसिक जो बेस है वो आदिवासी है। पूरा हिंदुस्तान में पहले आदिवासियों का ही था, मध्य प्रदेश तो कम से कम वही था, आज भी हम 22-23% मध्य प्रदेश में आदिवासी निवास करते हैं, तो वो मुख्य धारा से कैसे आए इसके लिए भी मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार का सहयोग लेके 9 कन्या परिसरों और 4 गुरुकुल आवासीय एकलव्य का भी उन्नयन किया है। ऐसा नहीं है केंद्र, कोई योजनाएं केंद्र की भी होती हैं जो केंद्र के साथ में मिलके आता है, बस दुर्भाग्य यहाँ पर एक आ रहा है कि केंद्र अपनी योजनाओं का जो पैसा है वो समुचित पैसा नहीं भेज रहा है। योजनाएं तो हमने चला ली, योजनाएं हमने उनके साथ मिलकर 1, 2, 3, 4 योजनाएं मध्य प्रदेश में वो भी बना ली, पर उसका 48% पैसा अभी आदिवासी क्षेत्रों के लिए आया है। जैसे 1 लाख रुपए उनको देना है तो 48,000 दिया है, बाकी का जो 52,000 रुपए है वो नहीं दे रहे हैं, तो ये करोड़ों का बजट है, इसमें दिक्कत है मध्य प्रदेश सरकार की। यदि आप हमारे साथ में किसी
प्रोजेक्ट में आते हैं तो कम से कम अपना जो आपका जो राशि सहयोग में आनी है या जो आपका उसमें शेयर है उतना शेयर पूरा दें। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के संग दोगला व्यवहार केंद्र सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने 65 कन्याओं के और अलग से परिसर में और उनके छात्रावास के लिए, उनके सामुदायिक केंद्रों के लिए, इन सब के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, बन गए हैं, बन रहे हैं, गौशालाएं भी बन रही हैं। मतलब हम हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि आदिवासी समाज देश की मुख्य धारा के संग स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी उनकी एक परेशानी होती है जिस पर भी सोचना बिल्कुल बिल्कुल आप जो बात कह रही हैं स्वास्थ्य वाले मामले में भी मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी समाज के लिए कई क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य पे भी काम किया है और उसकी भी पूरी विस्तृत जानकारियां हैं। मैं आपको अभी एक मिनट में निकाल के बता देता हूं। जैसे साथ में जो जब है तक आप ढूंढ लीजिए तब तक मैं मनीष पारिवारिक उनको बच्चों के लिए यदि खान पान के करने के लिए बर्तन नहीं थे, मध्य प्रदेश सरकार ने हर परिवार को बर्तन भी दे दिए हैं। साथ में जो है अनाज निरंतर उनके पास पहुंचे उसका भी कर दिया है। और साथ में जो है जो स्वास्थ्य वाली बात अपन उस पे कर रहे हैं तो मैं एक मिनट में आपको पूरी स्वास्थ्य की भी जानकारी दे रहा हूँ। महापुरुषों के लिए जबलपुर में संग्रहालय और स्मारक बनाने की भी बात कही, बहुत सारी चीजें हैं। खैर मनीष जी, क्षेत्र छोड़ा नहीं है मध्य प्रदेश सरकार ने। अभी 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 कुछ समय पहले संघ माना जा रहा था कि संघ भी इनको साधने में लगा हुआ है। देखा जा रहा है कि कोशिश की जाती है कि कहीं ना कहीं इनके लिए कुछ भलाई हो, कुछ बेहतर इनके लिए किया जाए। धर्म को लेकर अभी एक बड़ी चीज़ निकलकर सामने आई थी कि आदिवासियों जो धर्म अब जनगणना होने वाली है उसमें वो अपना धर्म वाले कॉलम में क्या भरें, इसको लेकर भी कहा जाता है कि संघ कोशिश कर रहा है कि इसमें धर्म के कॉलम में क्या लिखा जाए। पर हम समझना चाहेंगे जो पहचान आदिवासियों की अब तक हो जानी चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाई। साधने की कोशिश सभी ने किया, आपकी सरकार थी उसने भी बहुत सारी बातें कही, जैसा कि आज भी जब डिंडौरी में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आप सवाल करें, पूछें उनसे कि 15 साल में क्या किया हमारे लिए, क्या कुछ किया है, सिर्फ घोषणाएं की, नारियल फोड़ा या कुछ सौगातें भी दी। देखिए प्रवीण जी, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि संघ अब काम कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। संघ को लेकर बात वैचारिक रूप से सरदार है और विचारधारा के लिए सामाजिक समरसता का मूल मंत्र लेकर के संघ विगत कई लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहा है। संघ का अपनी विचारधारा को लेकर के, संघ अपने हिंदुत्व के लेकर के और सामाजिक समरसता को लेकर के, संघ ने जिस व्यापक दृष्टिकोण से इस हिंदुस्तान में काम किया है जिसकी अनेक मिसालें हैं। आप यदि भावनगर में जाकर के देखेंगे आदिवासियों के उत्थान का, यदि आप संस्थान का अवलोकन करेंगे तो आप उन बारीकियों को समझेंगे जिसकी मूल रूप से आदिवासी समाज को आवश्यकता थी। आदिवासी समाज ने उस मर्म को समझा, उस विषय को जाना, अपने कौशल को समझा, अपने महत्व को समझा। उसी के बाद आप ये देखेंगे प्रवीण जी कि आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा इस वर्ग का विश्वास यदि किसी राजनीतिक दल के ऊपर है तो वो हमारे राजनीतिक दल के ऊपर है। संघ में तो इनका जबरदस्त विश्वास है। संघ ने जो दूर दराज आदिवासी अंचल में जाकर के जो सेवा कार्य स्थापित किए हैं उसी का परिणाम है कि आज आदिवासी समाज मुख्य धारा में आने के लिए ललायित है और आ रहा है, निरंतर आ रहा है। आप यदि इनकी ग्रोथ रेट देखेंगे, इनके विकास की दर देखेंगे, इनकी यदि हम मानसिक संप्रेषण की बात करेंगे या ये मानसिक सुदृढ़ता की बात करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस क्षेत्र के लिए जो संघ ने काम किया है निश्चित रूप से अनुकरणीय है। और कमलनाथ जी जो सागर में बयान देते हैं, आज कमलनाथ जी ने जो मंडला छिंदवाड़ा में बयान दिया है, ये केवल प्रवीण जी राजनीतिक बयान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी आज जो सरकार में बैठे हैं ना, ये केवल एक्सीडेंटल सरकार में बैठे हैं। ये जिस मानसिकता और जिस झूठ को लेकर के जनता के बीच में गए हैं। आप यदि ये जो दुर्गेश जी बार बार आंकड़े गिना रहे हैं, जनता जवाब बार बार आंकड़े जो दुर्गेश जी गिना रहे हैं कि हमने ये कार्य किया है वो कार्य किया है, ये विगत 15 वर्षों के अलावा यदि एक भी बढ़ा करके इनने काम किया हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूँ दुर्गेश जी, आप एक अलग कोई कार्य आपने किया हो इन सवा साल में, उसको गिनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। बजाय हमारी
हमने विकास कार्य किए, हमने प्रेरणादायी कार्य किए, हमने आदिवासियों के उत्थान के लिए कार्य किए, पर आपने 1.25 साल में क्या किया है जरा उसको बताए। मैंने ये जितने भी आंकड़े या जो भी दिया है ये मध्य प्रदेश सरकार के 1 साल के काम के हैं। अभी जो अरे आपने जो पुराने काम है उसी को गुना है, वही कार्य योजना का हिस्सा है। आप नया कार्य नई योजना क्या है बताओ आप, सुनिए क्या आपने ये योजना बनाई? चलिए आप दोनों ने आप दोनों ने बता दिया होंगे आपको हम बिल्कुल निकालते में नहीं है साहब। चलिए हम वास्तविकता पे कुछ किया होता और यदि हमने कुछ नहीं किया होता तो झाबुआ में जो हमारे 30,000 की हुई। चलिए दुर्गेश जी, मनीष जी, आप दोनों ने अपनी अपनी बातें बताई, अपनी अपनी बात रखी कि आपकी सरकार ने क्या किया। आप क्या कह सकते हैं जी, क्या कहेंगे? जो सवाल कमलनाथ ने डिंडोरी में पूछा कि जनता जवाब मांगे कि 15 साल में उन्होंने क्या कुछ किया, मनीष सक्सेना जी का कहना है वही कुछ जो किया हुआ था वो आज गिना रहे हैं दुर्गेश जी, और दुर्गेश जी का कहना है ये 1.25 साल में जो कमलनाथ सरकार ने दलितों के लिए आदिवासियों के लिए जो काम किया उसकी रूपरेखा उन्होंने बताई। हम समझना चाहेंगे क्या लगता है 15 साल बनाम 1.25 साल अगर समझी तो दलितों और आदिवासियों को क्या मिला? 13-14 गुने का फर्क है 1.25 साल और 15 साल में। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब ये देश आजाद हुआ था और हमारा संविधान लागू हुआ था तो आदिवासियों को महत्व देने के लिए उसमें प्रावधान अलग से किए गए थे और उसी लाइन ऑफ एक्शन पे काम हुआ जिसका परिणाम है कि आज देश में हजारों हजारों पदों पर आदिवासी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और वो अच्छा जीवन जी रहे हैं। ये सब राजनीतिक बातें हैं, ये कुछ भी विरोध करें, ये कुछ भी बात कहें, सरकारों ने पिछले आज़ादी के बाद से आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, उत्थान के लिए बहुत काम किया है और वो पूर्णता सराहनीय है। किसी भी सरकार को एक दूसरे पर दोषारोपण ना करके उनके लिए काम करने की आवश्यकता है। उनको शिक्षा मिले, उनको स्वास्थ्य मिले, उनको रोजगार मिले, उनको बिजली मिले, उनको पानी मिले, इस सब के लिए काम करने की आवश्यकता है। अपनी बातें गिनाने से, दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से मैं नहीं समझता कि कोई आदिवासियों का भला होने वाला है। कमलनाथ जी ने बहुत अच्छा कहा है वहां सभा में कि आदिवासी तो बड़े भोले भाले हैं, उनको बरगला के आप वोट ले लीजिए, दे देते हैं बेचारे, लेकिन आपका क्या धर्म है? आपको उस धर्म का निर्वाहन करना चाहिए, आपको उनका काम करना चाहिए, उनके विकास के लिए काम करना चाहिए, उनके उत्थान के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल, आदिवासी एक बड़ा वर्ग। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, समय की कमी दुर्गेश जी, बस स्वास्थ्य वाले में आपने बोला था, मध्य प्रदेश के 44 जिलों में 150 विकास खंडों में चलित अस्पताल संचालित कर रहे हैं जिसमें से 38 जिले आदिवासी क्षेत्र में है, क्योंकि घुमक्कड़ जाति के और जो आदिवासी हैं वो छोटे छोटे टीलों में रहते हैं तो उनके पास तक स्वास्थ्य सेवा कैसे पहुंचे इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है और उसका सफलतापूर्वक फायदा भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो दलितों और आदिवासियों के लिए सरकारें क्या करती हैं, उनके उत्थान के लिए क्या कुछ सोचा जाता है, किस तरह उन तक पहुंचकर उनकी जो ज़रूरतें हैं उसको समझा जाता है, ये कमलनाथ सरकार ने जिस तरह आज शबरी जयंती मनाई और आदिवासियों के बीच पहुंचे और उनकी परेशानियों को समझा जाना, आगे क्या कुछ भरोसा वो जीत पाएंगे आदिवासियों का, इस पर आगे चर्चा करेंगे। पर अपनी चर्चा को यहीं पर दूंगी विराम। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें आप देखते रहें DNN पर और मुझे दीजिए इजाज़त।